आ मुसीबत मैं आ रही है कि मैं किसी को समझा नहीं सकिया है। समझो कि लैवल 3 तीन ना तुम उत्थे पहुँचन दो, पहला ही जब थोड़ा थोड़े बहुत कोई बीमारी है तो जाओ डॉक्टर को। क्यों आप अपने पंजाब का अपने परिवारों का अपने आप का नुकसान आप करा रहे? थोड़ा पता है पंजाब के किन्ने इतने महामारी के केस हुए ने? 4,75,950 इन्ने केस अपने कल शाम तक हुए ने पंजाब के। थोड़ी बहुत ही भी थोड़े से कोई थोड़ा लगता है कि मेरे से कोई जुकाम हो गया या गला खराब है या मैं पेट खराब है या कोई छाती में दर्द है या बदन के दर्द है, तुसी एकदम अपने डॉक्टर को जाओ, उन्होंने फैसला कर दो कि तुम्हें की है। कई अपने घर पैदा ने कुछ नहीं जी, टाइफॉइड हो गया जी, मलेरिया हो गया जी, आप ही ठीक हो जाएगा। और आ काम जब इतने होंगे मेरे वीरों ते भैनों, आज कुछ खुशी की खबर है। खुशी है कि अपनी फसल पूरी आ चुकी है कणक की, और ऐतकी पिछले साल नालों जी 129 लाख टन सी, ऐतकी आप 132 लाख टन पर पहुँच गए हैं। और जिथे पहला पिछले साल किसानों ने 24,600 करोड़ कमाया सी, ऐतकी 26,000 करोड़ कमा रहे हैं। तो ये बावजूद कि महामारी चल रही है, ये बावजूद कि मौसम भी खराब होंगी आई है, फिर भी तुसी आ हिम्मत जी की है देश वास्ते, अन्न तुसी इन्ना पैदा किया है और अपने आप वास्ते भी अपने परिवारों के वास्ते भी तुसी इन्नी पैदावार कर सके हो। हुण एक जंग तो आप लड़ लिया, हुण तुसी झोना दी आऊगा अगे, पर ये दौरान मैं थोनू ए महामारी के बारे थोड़ा फिर कहना चाहना। मेरी ड्यूटी बनती है कि थोनू मैं इस समझावा। कई लोग अज भी नहीं समझ रहे, 14 महीने हो गए ने जाए महामारी शुरू हुई सी पिछले मार्च में। थोनू पता है पंजाब दे विच किन्ने इत्थे महामारी दे केस हुए ने? 4,75,950 इन्ने केस अपने कल शाम तक हुए ने पंजाब दे विच। और कल दे दिन 8,494 एक दिन च इन्ने केस, टोटल जेडे महामारी दे मौतां हुई ने 11,297 और कल दे दिन 184। ऑक्सीजन ते जेडे ने लोग 9,619 अज दे दिहाड़े ऑक्सीजन दे उपर ने, और 429 वेंटिलेटर मशीन थे। तो ये अच्छी गल नहीं है। तीन किस्म दे तीन लैवल होंदे ने महामारी दे, पहला लैवल, सैकेंड दूजा लैवल और तीजा लैवल। पहला लैवल तो जदों थोड़ा बहुत तुसी महामारी होंदी है तुहानू डॉक्टर कह दिंदा घर दे विच गोलियां खा के तुसी उत्थे रहो और ठीक हो जाओगे। दूजी जदों कदे कदे ऑक्सीजन की लोड़ पैंदी है, थोड़ा ऑक्सीजन लैवल गिर जाता है, वो दूजा लैवल हस्पताल जाना पैंदा है। और तीसरा लैवल जदों बहुत अखीर च जाके तुसी हस्पताल जाओ, किते किते दा दो लैवल की लोड़ ही नहीं। डॉक्टर कहिंदे ने इन्ने लेट आउंदे ने लोग कि सीधे लैवल 3 दे विच चले जांदे ने और उदों तुहानू मशीनां ते लाउणा पैंदा है वगैरह। क्यों करते हो तुसी एह गल? मैं बार बार तुहानू कहना है कि अपने आप नू बचाउणा है, अपने परिवारां नू बचाउणा है। जैसे ही कोई थोड़ी बहुत ही भी थोड़े से कोई थोड़ा लगता है कि मेरे से कोई जुकाम हो गया या गला खराब है या मैं पेट खराब है या कोई छाती की दर्द है या बदन के दर्द है, तुसी एकदम अपने डॉक्टर को जाओ, उन्होंने फैसला कर दो कि थोनू की है। कई अपने घर पैदे ने कुछ नहीं जी, टाइफॉइड हो गया जी, मलेरिया हो गया जी, आप ही ठीक हो जाऊगा। और आ काम ज इतें होंगे ता जाके हूँ देख लो, असी हर हस्पताल दे विच बैड रखे ने, लैवल 2 दे बैड ने और लैवल 3 दे बैड ने। लैवल 2 दे बैड तो साढ़े कोल तकरीबन अद्धे इस्तेमाल हुए ने, बाकी साढ़े कोल पए ने। लैवल 3 तकरीबन 90% से चले गए साढ़े बैड जिहड़े, और नवें सानू 2,000 बैड होर लाउणे पै रहे ने। क्यों? क्योंकि तुसीं समय सिर अपने हस्पताल च नहीं पहुँचे। आ मुसीबत मैनू आ रही है कि मैं किसी नू समझा नहीं सकिया है। समझो कि लैवल 3 तीन ना तुसी उत्थे पहुँचन दो, पहला ही जब थोड़ा थोड़े बहुत कोई बीमारी है तो जाओ डॉक्टर को, और लैवल अपने या तो घर से थोड़ा दवाई दे दूंगा अगर घट है, नहीं थोड़ा लैवल 2 जाना पो। लैवल 3 से क्यों पहुँचते हो? लैवल 3 से बचा बड़ा घट है बंदा। क्यों आप अपने पंजाब का अपने परिवारों का अपने आप का नुकसान आप करा रहे हैं? तो मेरी बेनती है थोनू कि हूँ ये जे 2 महीने पापा पे ने, तुसी हिम्मत करो अपने परिवार। असी ठीक रिपहरे कहे ने पिंडां दे विच, हुण पिंडां दे विच ये बीमारी पैनी, पहले शहरां च सी हुण पिंडां दे विच आ गई। ठीक रिपहरे लाओ, तुसी लोगों नू ना बढ़न दे उत्थे,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਰਪ ਦੇਖ ਲਓ, UK ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ, ਬੰਬਈ ਦੇਖ ਲਓ ਭਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਣਨ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਂਦਾ, ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੇਲੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਮਝੋ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।